अगर आप किसी भी हाईली एजुकेटेड या बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली के किसी मेंबर के साथ आपने एक दिन भी निकाल लिया ना, आपको सेम यही फीलिंग आएगी। हर 15 मिनट में टिश्यू निकल रहे हैं, टिश्यू पता नहीं जैसे गंदगी सारी उन्हीं के चेहरे पे चलती है, बस वो बस जर्म ना आ जाए, कोई बैक्टीरिया ना आ जाए। कि प्लास्टिक वेस्ट की समस्या पढ़े लिखे लोगों की, अगर उसी बंदे को 15 दिन के लिए आप कुछ कचरे के पहाड़ पे जाके बिठा दो ना, ये है वो पहाड़ और अब देखिए तेरा ही बनाया हुआ है। गुड ग्रेडर्स के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो एक टैलेंट में है, वो सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं किस चीज के बारे में, जैसे कंजम्पशन प्लास्टिक का कम होना चाहिए, प्लास्टिक वेस्ट को कम करना चाहिए, प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वो हर टाइम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में स्टडी भी कर लेते हैं, देख के परेशान भी हो जाते हैं, उसको थिंक भी करते हैं, बट नेवर अप्लाइज इट टू देमसेल्व्स। कभी अपने आप अप्लाई नहीं करते कि हम किसी तरह से प्लास्टिक वेस्ट को कम करें। यही रीजन है कि एनवायरमेंट की प्रॉब्लम बनी हुई है। वी ऑल आर गुड ग्रेडर्स, हमने बुक्स में बहुत पढ़ लिया पर्यावरण बचाना है, और वो ऐसा कैसा हम ग्राफिक्स के जरिए ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देते हैं, हम चार्ट्स भी लगा देते हैं, पूरी दीवारें भी छाप देते हैं। स्कूल्स में मैं जाता हूँ, अगर कन्वेंसिंग के लिए देखता हूँ, स्कूल्स के बाहर लिखा है जल ही जीवन है, और वहीं एक ट्यूटी खुली है जिसमें से जल जल जीवन जो है लगातार बह रहा है। टाटा कहता है कि प्लास्टिक वेस्ट की समस्या पढ़े लिखे लोगों की, गरीब और कम पढ़ा लिखा आदमी इतना प्लास्टिक वेस्ट नहीं फैला रहा जितना पढ़ा लिखा आदमी फैला रहा है। और ये वही वर्ग है जो हर टाइम गंदगी की बात करता है, हर टाइम ये बात करता है प्लास्टिक वेस्ट बहुत बढ़ रहा है, कचरा हुआ जा रहा है, कचरे के पहाड़ बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़ हो गए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, जो खेतों में है ना उनको कुछ नहीं चाहिए, वो एक लुंगी लेके अपना जाएंगे, मैं कहता हूँ ये ज्यादा अच्छे हैं भाई। एक्चुअली ये है गुड ग्रेडर्स, कम से कम एनवायरमेंट पे बोझ नहीं है इनका, उसमें प्रॉब्लम आपकी मेरी नहीं है, उसमें प्रॉब्लम हमें पढ़ाने वाले की है कि उसने सिर्फ हमें थिंकिंग में रखा, कभी फील नहीं करवाया, कभी एक्ट नहीं करवाया। अगर उसी बंदे को 15 दिन के लिए आप कुछ कचरे के पहाड़ पे जाके बिठा दो ना, ये है वो पहाड़ और अब देख ये तेरा ही बनाया हुआ है, जिंदगी भर वो गंदगी में चला। दिस इज द प्लास्टिक बोतल दैट वी यूज नॉर्मली। जब साइज बड़ा था तो मैं कहता था समस्या कम है, जब साइज छोटा हुआ है तो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम। शादी ब्याह में कभी मिले मैं लेता नहीं हूँ, पिक तक नहीं करता हूँ, कभी बैंक में जाओ वो रख देंगे छोटी बोतल, मैं बिना पानी पिए आ जाता हूँ। ठीक है, अब मेरी समस्या ये होगी कि मैं कहीं पानी भी नहीं पी पाता क्योंकि मुझे बड़ी समस्या है इस चीज से, ये वेस्ट है, ना रिसाइकल होगी ना रीयूज होगी, कुछ भी नहीं होगा। पढ़े लिखोगे बाथरूम लॉट ऑफ प्लास्टिक्स, पता नहीं इतने तरह की तो क्रीम्स होती हैं वहां पर, मतलब कि मेरे देखोगे तो दो चीजें पड़ी हैं। ठीक है, पढ़े लिखोगे ट्रैवल किट गुड ग्रेडर्स की, ठीक है, लॉट ऑफ एसेसरी।